सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ गाइज गरीना, आपको पता होगा भाई न्यू इवेंट दे रहा है। और गाइज, ये जो हमारा अलाइट पास है, लास्ट अलाइट पास गाइज ये जा रहा है भाई, इसलिए इस खुशी में, इस गम में गरीना ने जो है गाइज ये फ्री का अलाइट पास हमें दिया है लास्ट, ठीक है। क्योंकि गाइज इसके बाद आने वाला है भुया पास, जिसमें गाइज हमें देखने के लिए मिलने वाले अच्छे अच्छे न्यू बंडल मिलेंगे शुरू से भाई। जैसे आपको पता होगा इलाइट पास में शुरू से, जैसे फर्स्ट इलाइट पास में मिला था नीरा तगड़ा बंडल, सकुरा बंडल, वैसी जो है भुया पास भाई शुरू से चलने वाला है। इसलिए गए भुया पास के जो भाई अमीर मेरी बंदे हैं वो ही भुया पास को खरीदेंगे, नहीं तो भाई अदरवाइज कोई बंदा इसको नहीं लेगा। क्योंकि भाई आपको पता है फ्री फायर जो का कोई फ्यूचर नहीं है भाई, वो मतलब उल्टा सीधे फायर में और आपको लूट रहा है और अपना जो है भाई बचत कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा गाइस, गरीना ने दो इवेंट अभी दे दिए हैं भाई। एक विश इवेंट है भाई जिसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंडरवर्ल्ड विश, ठीक है। तो ये बंडल यहाँ पर दिया है। अब इस बंडल का बैनर आप देखो कितना बेस्ट लग रहा है भाई, बैनर में तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है ये बंडल। आपको क्यों लगता है वो बताऊँ, क्यों गाइस आप बैकग्राउंड देखो एक बार, मतलब गरीना ने जो भाई इसका थंबनेल बनाया ना, उसका एक बैकग्राउंड देखो, क्योंकि बैकग्राउंड के वजह से ही जो है भाई बंडल जो है उसकी क्लियरिटी लग रही है, जिससे गाइस हमें ये लगता है बंडल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप भाई गेम के अंदर सही तरीके से इस बंडल को देखोगे तो भाई बिल्कुल बेस्ट बंडल नहीं है, और इवेंट भी भाई बिल्कुल काटने वाला है, ठीक है। इसमें लिमिट नहीं है भाई, कितने डायमंड आपके लग जा, इसमें 4,000, 5,000, 6,000 यानी कि भाई 10,000 भी लग सकते हैं इस बंडल को निकालने के लिए। क्योंकि विश इवेंट है, ये वही विश इवेंट है जिसमें गाइस एंजेलिक पेंट हमारी आई थी और जिसने बंदों को लूटा था अच्छे तरीके से, ठीक है। भाई ये जो विश इवेंट होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा यार काटने के इवेंट होते हैं, और गरीना भाई काटने के लिए भाई जाते जाते भाई आपको काटेगा गरीना यहाँ से, ठीक है। तो गाइस मैं कहूँगा इन्वेस्ट मत करना भाई, किसी काम के बंडल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो तो भाई ये है वो न्यू बंडल, अब यहाँ पर आप देख लो, और जो गरीना ने भाई बैनर पर दिखाया वो बंडल, उस बंडल का लुक देख लो भाई इसमें, और उसमें कितनी क्लियरिटी है भाई, ठीक है। ये भाई इतना भाई भद्दा सा लग रहा है, और वो उसमें भाई उसमें कितना बेस्ट लगता है, ठीक है। जब आप इसको पहना के खेलोगे ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। इससे अच्छे तो भाई जो सस्ते 2 रुपये के होते हैं ना फैशन में, वही बंडल इससे काफ़ी गुना अच्छे हैं, ठीक है। तो बाकी गाइज आप मुझे ये कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन सा बंडल निकालना चाहोगे। और हाँ, एक इवेंट और दिया है गरीना ने जिसका नाम है टॉपअप इवेंट दिया है। टॉपअप इवेंट में गाइज हमारे साथ एक चीज़ तो कर सकता है भाई, थोड़ा सा फायदा कर सकता है टॉपअप इवेंट में। आपको पता होगा डबल डायमंड टॉपअप आता रहता है, कभी कभी आता है भाई, हर रोज नहीं आता। जैसे गाइज अब ये बहुत पहले आया था टॉपअप इवेंट, लेकिन गाइज अब डबल टॉपअप इवेंट गरीना को देना चाहिए था, क्योंकि गाइज अगर बंदा 100 रुपये का भी टॉपअप करता है ना तो उसको 200 डायमंड मिल जाते भाई, 100 रुपये में 80 रुपये में उसको 200 डायमंड मिल जाते भाई, बंदा खुश हो जाता है, ठीक है। ये गरीना को भाई सोचना चाहिए भाई, भाई इंडियन सर्वर में नहीं करता ये भाई, अदर सर्वर में बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील सर्वर हो गया, इसमें ये देता रहता है डबल डायमंड टॉपअप इवेंट गरीना। लेकिन भाई जो हमारा इंडियन सर्वर है भाई, इसको ही लूटना चाहता है, क्योंकि इंडिया से इसका पत्ता होने वाला है। कट करते करते ये आपको करना चाहता है भाई, जेब से कट, मेरा भाई बात समझ जाना भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई गरीना का तो पत्ता कट गया लेकिन आपकी जेब काट के कटेगा भाई ये, ठीक है यहाँ से। तो इसलिए गाइस गरीना डबल डायमंड टॉपअप दे बे या नहीं दे बे वो हमारे ऊपर नहीं है भाई, वो गरीना का भाई कभी भी बदल जाता है भाई, गरीना का डिसीजन। ये पागल गरीना है भाई, एकदम भाई अंधा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर और भी इवेंट चल रहे हैं भाई, यहाँ पर देख सकते हो सोल इवेंट, गुड बाय ईपी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट लाइट पास है, भुया पास आने वाला है। मेरे को भी नहीं पता भाई, जो वीबेज प्लेयर है उसको जाएगा भुया पास का बंडल मिल भी चुका है भाई पहले ही, ठीक है। लेकिन गाइज उसी तरीके का बंडल होने वाला है। अब भाई पता नहीं कितने डायमंड माए भुया पास, 500 माए, 600 माए, 1000 माए, 3000 माए, वो किसी को पता नहीं है भाई, ठीक है। तो ये गाइज बताना था तुमको, बाकी गाइज आप मुझे ये कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन निकालना चाहेगा। और भी भाई गरीना ने इवेंट दिए हैं, एक हमें गाइज अराइवल एनिमेशन भी दिया है, जो कि हाँ लुक वाइज तो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लेकिन भाई लूटने वाले इवेंट में आया है हाँ, लेकिन इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है कि भाई ये आपको 1000 डायमंड में निकल जाएगा। लेकिन गाइज जो हमारे विश इवेंट है उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि भाई वो कौन से इवेंट में निकले। और एक इवेंट और है जिसका नाम है गाइज वेतरान इन्विटेशन, ठीक है। तो ये भी गाइज एक तरीके का इवेंट है जिसमें भी गाइज आपके 800 कटने वाले, क्योंकि पहला स्पिन नो का है, क्योंकि फेडरेट व्हील में भी पहला स्पिन नो का होता है, और हर भाई जितने भी फेडरेट व्हील आते हैं ना तो वो नो स्पिन के ही होते हैं, तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा, जितनी स्पिन मारोगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे तो इवेंट एंड्स भी दिखा रहे हैं, यानी कि इवेंट का टाइम चल रहा है बराबर में, जैसे तो 25 सेकेंड हो चुके हैं, 15 घंटे के लिए अभी और है, यानी कि 5 दिन 15 घंटे के लिए, ठीक है। अभी टाइम है, मत निकालो भाई, कितना भी टाइम हो, ठीक है। अब गरीना भाई फ्री में तो भाई इतनी बढ़िया चीज़ें देना रहा, लेकिन बस अलाइट पास दे दिया, अलाइट पास दिया है क्योंकि जाने वाला है भाई अलाइट पास, तो इस वजह से भाई गम में दिया है। खुशी मत समझना कि भाई ये गम है भाई, इसमें गरीना दे रहा है, पता नहीं भुया पास देगा या नहीं देगा भाई फ्री में, वो गरीना का डिसीजन है भाई, हम नहीं कुछ कर सकते। तो बाकी गाइस आज की वीडियो में इतनी, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नए और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।